अच्छा दोस्तों, मान लीजिए आपको एक ऐसी फ्यूल वाली गाड़ी चाहिए जो आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े, आप सस्ते में अपनी रोज की ट्रेवलिंग कर लो, बट आपको कहीं ना कहीं बूट स्पेस भी उसमें अच्छा खासा मिल जाए। तो टाटा ने आपके लिए दो एक अच्छे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करे हैं। पहला है टाटा पंच ICNG और दूसरा है टाटा अल्ट्रोज ICNG। ये दोनों गाड़ियां सेम टू सेम है, बट क्या है, इसमें आपको ICNG देखने के लिए मिल जाता है और इसी के साथ में इसमें इंडिया का पहला डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे बूट स्पेस आपका और CNG गाड़ियों के मुकाबले अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। ये भी अच्छा लगा। बाकी अब तो अल्ट्रोज में आपको i20 के जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ भी देखने के लिए मिल गए। ये देखिए सनरूफ, इंटीरियर दिखाता हूँ, इसमें चेंजेस नहीं है। ओके, और एक बंदा आया था वो बोल रहा था कि ये प्रोटोटाइप है, तो भैया ये प्रोटोटाइप नहीं है। इसमें CNG जो बटन है ना वो आपको यहाँ पे मिलता है, ये यहाँ पे मिलता है CNG बटन, बीच में नहीं मिलता। बाकी लेदरेट सीट है, कुछ भी चेंज नहीं, और बस हाँ ट्विन सिलेंडर है। पंच की बात करें तो इसमें भी अब आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने के लिए मिल गई और रेन सेंसिंग वाइपर ऑटो हेडलैम्प तो आता ही था, ये इसका प्लस पॉइंट है। बाकी जो सेम टू सेम लुक्स हैं पंच के वो अभी भी बरकरार हैं, और रेड में काफी एक तड़कती वड़कती चीज लग रही है। इसके अलावा अब चलते हैं अपन इसमें भी जो खासियत है, बाकी सब तो सेम है। इसमें भी आपको ये देखिए दो सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल रही है जिससे बूट स्पेस आपको उतना ही मिलता है जितना पेट्रोल या डीजल में मिलता है, बट हाँ थोड़ा बहुत ही 19-20 का फर्क होगा। मतलब सब यही कहते थे कि CNG गाड़ी लोगे तो बूट स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन टाटा ने जो है इसका एक अच्छा जुगाड़ कर दिया। इंटीरियर जो है वो सेम टू सेम जैसे पंच में आया करते थे वैसे ही देखने के लिए मिल रहे हैं।